हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो एससी की पीएससी वायरिंग 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ। मतलब कि 6 पिन सेलेक्टर स्विच किस विंडो एससी में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अपने फैन मोटर 3 स्पीड की रहती है, हाई मीडियम लो 3 स्पीड की रहती है, उसमें अपने 6 पिन सेलेक्टर स्विच प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा 6 पिन सेलेक्टर स्विच किस तरीके से होता है। मैंने आपको विंडो एसी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग बताई थी, उस टाइम पे आपको पिने के बारे में भी बताया था। इसकी पिने किस तरीके से चेक करते हैं, कौन सी अपने हाई की रहती है, कौन सी मीडियम की होती है, कौन सी लो की होती है, कौन सी पिन अपने कंप्रेसर की होती है, तो इसकी चेकिंग मैंने आपको विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताया था। उस टाइम पर इसकी सेलेक्टर स्विच की चेकिंग बताई थी। दोस्तों, आज हम समझेंगे इसकी वायरिंग विंडो एसी की पीएससी वायरिंग 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स है इसके अंदर। इसके अंदर एक स्विच है। स्विच का क्या काम होता है, इसमें एक स्विच रहता है। ये कौन सा स्विच है, ये वन वे स्विच है। ये अपने स्विंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विंग मोटर का क्या काम होता है, स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर होता है। जैसा दोस्तों आप जानते होंगे, कूलर में भी प्रयोग की जाती है स्विंग मोटर। इसका मतलब होता है हवा को दिशा देना। ये आपने देखा होगा, ये ऊपर नीचे इस तरीके से होती रहती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे होती है। तो ये स्विंग मोटर का हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। उसी तरीके से अपने फैन मोटर क्या काम होता है। विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग की जाती है, उसकी एक तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपना ब्लोअर फैन लगा रहता है। कंडेंसर फैन का क्या काम होता है, कंडेंसर फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करना। और ब्लोअर फैन का क्या काम होता है, तो ब्लोअर फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा को खींच कर ठंडी हवा फेंकना है, काम अपने ब्लोअर फैन करता है। दोस्तों, उसी तरीके से अपने कंप्रेसर क्या काम होता है, कंप्रेसर एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना है, काम अपने कंप्रेसर करता है। इसमें एक और पिन रहती है चार्जिंग लाइन। अपने जिस तरफ से गैस को खींचा जाता है उसे सक्शन लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसे सक्शन लाइन। जिस तरफ अपने गैस को फेंकता है उसे डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, अपने कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, विंडो एसी के अंदर कितनी क्षमता तक कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, 20 mFD से 45 mFD तक प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा कैपेसिटर है दोस्तों, ये अपने रनिंग कैपेसिटर है। इसकी विशेषता बताता हूँ आपकी। एक तरफ अपने दो पिनें रहती है, एक तरफ अपने चार पिनें रहती है। ये अंदर से चारों एक होती है, ये दोनों अंदर से एक होती है। दोस्तों, और क्या प्रयोग किया जाता है, ये अपने एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर विंडो एसी अपने ज़्यादा कूलिंग करती है, उसको कंट्रोल करने का काम अपने थर्मोस्टेट का होता है। थर्मोस्टेट के अंदर दो पिनें होती है कि हम किसी से भी इन किसी से भी आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसके वायरिंग समझेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हमें न्यूट्रल फेस प्राप्त होता है। क्या न्यूट्रल फेस के माध्यम से हम विंडो एसी की वायरिंग करेंगे। इसमें एक और वायर रहता है अर्थ का। अर्थ वाला वायर को कहीं भी बॉडी में लगा सकते हैं, वो अपना अर्थ का काम खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम जिसको अपने न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है उन्हें हम न्यूट्रल दे देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फैन मोटर है तो फैन मोटर को भी न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है, तो इसे भी हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हमने न्यूट्रल एक इसके कॉमन वाले को हमने फैन मोटर कॉमन वाले को हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, स्विंग मोटर भी डायरेक्ट 220 वोल्ट पे काम करती है, तो ये अपने इसे भी न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से दोस्तों, कंप्रेसर कम न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है, तो इसे भी हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे कॉमन वाले पर। ठीक है दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल का काम खत्म। जिसको न्यूट्रल की आवश्यकता थी उसे हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, फेस की सप्लाई देंगे। फेस की सप्लाई सबसे पहले दोस्तों हम सेलेक्टर स्विच के किसी एक पिन में देंगे। इधर एक इसके एक तरफ एन लिखा रहता है, दूसरी तरफ एल लिखा रहता है। ये अंदर से दोनों एक होते हैं, तो हम एन से इन कराएंगे और एल से आउट करा देंगे। तो यहाँ से आउट कराएंगे क्या करेंगे दोस्तों, ये वन वे स्विच क्या काम होता है दोस्तों, ये अपने स्विंग मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। वन वे स्विच नीचे वाले पॉइंट में हम इसको इन कराएंगे, ऊपर से आउट करा कर हम स्विंग मोटर को दे देंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो अपने स्विंग मोटर चालू हो जाएगी, और जैसे स्विच को हम ऑफ करेंगे अपने स्विंग मोटर ऑफ हो जाएगी। सेलेक्टर स्विच के नीचे वाली पिनों का कनेक्शन करते हैं। ये अपने 3/2, तो ये अपने कंप्रेसर का होता है। दोस्तों, मैंने सेलेक्टर स्विच की चेकिंग विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सामान की चेकिंग बताई थी, उस टाइम पर इसकी चेकिंग करके बताई थी। ये पिनों का मान अलग अलग हो सकता है, जैसे इसमें 3/2 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो ये पिनों का मान चेंज भी हो सकता है। तो ये अपने 3/2 कंप्रेसर का होता है। 4 नंबर अपने लो का रहता है। दोस्तों, अपने 4 नंबर लो का बता रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो इसकी चेकिंग मैंने आपको बताई थी किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये अपने 4 नंबर अपने कहाँ जाएगा दोस्तों, 4 नंबर अपने लो वाले पर जाएगा। उसी तरीके से 2 नंबर कहाँ जाएगा दोस्तों, ये अपने मीडियम वाले पर जाएगा। उसी तरीके से 1 नंबर अपना लो पर जाएगा।
दोस्तों ये पीने का मान चेंज भी हो सकता है, तो हम मैंने आपको सेलेक्टर स्विच की चेकिंग बताई थी, इसका हाई मीडियम की चेक करके उसके बाद ही हम इसका कनेक्शन करेंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, एक 3/2 अपने कंप्रेसर का होता है ये, तो यहाँ से अपने कंप्रेसर के लिए जाएगी, तो सब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, थर्मोस्टेट में इन कराएंगे। थर्मोस्टेट के किसी भी पॉइंट में हम इन करा देंगे और यहाँ से आउट कराकर कैपेसिटर वाले पॉइंट में दे देंगे। कैपेसिटर के जिस तरफ 4 पिन है उस तरफ इसकी सप्लाई दे देंगे हम थर्मोस्टेट के। क्यों, थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। अगर अपने कूलिंग ज़्यादा होने पर तो थर्मोस्टेट अपने सप्लाई को कट कर देगा और अपने विंडो एसी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने जिधर 4 पिन है उधर हमने फेस की सप्लाई इन करा दी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दोस्तों आपको पता है कैपेसिटर अपने रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों हम स्टार्टिंग पॉइंट को किधर जोड़ेंगे, जिधर 2 पिन है उधर जोड़ेंगे, और रनिंग वाला पॉइंट को किधर जोड़ेंगे, जिधर 4 है उधर जोड़ देंगे। दोस्तों अपना डायरेक्ट अपने रनिंग वाले पर सप्लाई मिल चुकी है, अपना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा रनिंग वाले पर सप्लाई दी जाती है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार न्यूट्रल की सप्लाई जिसको जरूरत थी हमने उसे न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। किसको दी हमने, फैन मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई दी, उसी तरीके से स्विंग मोटर को दी, उसी तरीके से हमने कंप्रेसर कॉमन वाले को न्यूट्रल की सप्लाई दी। फेज वाली सप्लाई सबसे पहले इन इलेक्ट्रिक स्विच के एक पॉइंट में इन करें, यहाँ से आउट कराकर हमने क्या किया, स्विच के निचले पॉइंट में दिया, और स्विच के निचले पॉइंट में इन कराकर यहाँ से आउट, तो अपने स्विच से आउट कराकर हमने स्विंग मोटर को दिया। तो दोस्तों उसी तरीके से हमने क्या किया, 3/2 कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर के लिए लाइन निकाली और थर्मोस्टेट में इन करें, और थर्मोस्टेट से आउट कराकर हमने क्या किया, जिधर कैपेसिटर के 4 वायर थे उधर उस वाले पिन पर हमने फेस की सप्लाई को इन करा दिया। जिधर हमने इन कराया वो वाला पॉइंट को हमने रनिंग वाले की तरफ जोड़ा, वो एक दूसरा वाला वायर को हमने स्टार्टिंग की तरफ जोड़ा। उसी तरीके से हाई को हाई से मिला दिया, मीडियम को मीडियम से मिला दिया, और लो को लो से मिला दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वायरिंग से संबंधी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारे से कमेंट कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।